बात है सुबह सुबह का वक्त हो और बांसुरी की आवाज कानों में पड़ जाए तो पूरे दिन में चार चांद लग जाते हैं चेतन जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए आप बांसुरी का थोड़ा सा परिचय दीजिए वैसे तो सब लोग जानते ही हैं बांसुरी के बारे में मगर बहुत अलग अलग तरह की फ्लूट्स होती हैं अगर आप कुछ बताना चाहें आ, जैसा कि अर्जुन जी ने बोला भी कि वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट तो ये एकमात्र एक ऐसा वाद्य है जो मेरे विचार से विश्व के हर कोने में पाया जाता है आप रेगिस्तान में भी चले जाएँ वहाँ भी बांसुरी है और आइलैंड्स में चले जाएँ वहाँ भी बांसुरी है कहीं कहीं नाम बदल जाता है फ्लूट है कहीं डिजी है कहीं सिल्वर फ्लूट है कहीं पिकलो कहते हैं कहीं शाकुहाची कहते हैं नाम अलग अलग हैं होती बाँसुरी है भारत में भी बहुत प्रकार की बाँसुरियाँ हैं अलगोजा है टेपुरा बांसुरी है बांसुरी है और हम सभी जानते हैं कि बांसुरी के हमारे जो आ, लिंक है वो भगवान श्री कृष्ण से किया जाता है तो आ, जिस वाद्य को स्वयं भगवान ने चुना है उस वाद्य के बारे में तो कहना ही क्या है इसके अलावा एक और खासियत है बांसुरी की कि ये विश्व का प्राचीनतम वाद्यों में से एक वाद्य है क्योंकि साठ हजार साल पहले एक हड्डी की बांसुरी प्राप्त हुई है बांस की बांसुरी का पता नहीं क्योंकि बांस जो है वो समय के साथ टिकता नहीं है वो गल जाता है हड्डी रुक जाती है इसलिए उसकी उसका उत्खनन हो पाया तो पता नहीं कितने पुरानी बांसुरी होती है हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस वाद्य से जुड़े हुए जी। अचेतन जोशी जी आपके पास दो बांसुरी हैं अभी ऑफ टू डिफरेंट साइजेस क्या ये बैम्बू का बना है और अगर बैम्बू का बना है तो कैन यू प्लेट फॉर आस फॉर द बेनिफिट ऑफ आर व्यूअर्स ऑन द मॉर्निंग शो प्लीज श्योर श्योर ये इस तरह की बांसुरी तो uh, बहुत ज़्यादा कॉमन है सभी लोग देखते ही रहते हैं पंडित पन्ना घोष जी ने लगभग सौ वर्ष पहले इस साइज़ की बाँसुरी बनाई क्योंकि बड़ी बांसुरी जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है इसकी आवाज़ गंभीर होती है और स्केल थोड़ा सा आ, ऐसा होता है कि इसको लगातार सुना जा सकता है क्योंकि आप श्रेल वॉइस को थोड़ी देर तो सुन सकते हैं बहुत लंबे समय तक नहीं सुन सकते तो आ, ये बांसुरी मैं बजा के दिखाऊं उसके पहले एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करता हूं जापान गया था जापान के एक इंटीरियर गांव में एक कार्यक्रम था मेरा वहाँ के गांव वालों ने कभी भी भारतीय संगीत नहीं सुना था ऐसा उन्होंने स्वयं बताया मैं वहाँ पे बजाने बैठा मेरे साथ तबले पे एक मेरे मित्र थे जब वहाँ पे मैंने एक धुन बजाई तो वो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि इसको फिर से बजाइए दोबारा बजाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो धुन बिहार और उत्तर प्रदेश का एक फोक म्यूजिक है लोक गीत है लोक गीत की स्टाइल है जिसको कहते हैं चैती तो वो चैत का महीना था इसलिए मैंने चैती बजाई थी वहाँ और ये चैती वहाँ के लोगों को भी इतनी अच्छी लगी मेरा पॉइंट ये है कि अगर संगीत अच्छा है तो उसे भाषा और देश की सीमा पे बांधा नहीं जा सकता दिल्कुर, दिल्कुर। जो चहती मैंने वहाँ बजाई थी आपके सामने वो रख रहा हूँ आपका आनंद आएगा बात है खूबसूरत जो भी मन में अस्थिरता चल रही हो अगर बांसुरी की आवाज़ कानों में पड़ जाए तो यू नो यू गेट दैट इंस्टेंट पीस अर्जुन इतना स्ट्रेस है आजकल लोगों को इतना तनाव है चाहे दिन का वक्त हो सुबह का वक्त हो रात का वक्त हो बांसुरी की आवाज़ तो हर वक्त सुनते ही इट गिव अस इंस्टेंट कामनेस ग्रेट सर अपने सफ़र के बारे में हमें कुछ बताइए किस तरह से बाँसुरी वादन की शुरुआत की आपने जी आ, ये वरण का आपने जो सवाल पूछा तो कई लोग पूछते हैं कि शुरुआत में कैसे आपने शुरुआत किया तो अक्सर मुझको भी समझ में नहीं आता कि मैंने कैसे शुरू किया जी। तो उसको एक वाक्य में अगर कहा जाए तो यही कि आ, मैंने नहीं बांसुरी ने मुझको चुना है बजाने के लिए मेरे सफ़र की शुरुआत जो है वो आचार्य जगदीश जी से हुई जो कि बोकारो झारखंड में थे और पंडित ओंकारनाथ जी की शिष्य परंपरा से थे वोकलिस्ट थे उनके बाद मैं प्रयागराज गया प्रसिद्ध वादक पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी से सीखा मैंने उसके बाद यात्रा आगे बढ़ी विश्वविख्यात वादक और संगीत निर्देशक पंडित रघुनाथ सेठ जी से मैंने आगे की तालीम ली वर्तमान में मैं मार्गदर्शन दे रह रहा हूँ पंडित अजय चक्रवर्ती जी से पद्म पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती जी और इन सभी के अलावा भी मेरे बहुत सारे गुरु हैं हर हर क्षण सीखता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों से अपने शिष्यों से भी सीखने की कोशिश करता हूँ मैं और अनवरत यह यात्रा तो जारी है संगीत की यात्रा में एक बड़ा आकर्षण ये होता है बाकी यात्राओं में आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो आनंद आता है जी। यहाँ यात्रा ही आनंदमय है बिल्कुल बिल्कुल और लक्ष्य तक पहुंचने की चाह ही नहीं है जी। जितना किया उससे और आगे सीखें और आगे करते रहें यही इसका आनंद हम लोग लेते रहते हैं और एक दायित्व होता है जब हमारे फिलोसॉफी में कहा गया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ ही कुछ ऋण उसके ऊपर आते हैं जी उसमें से एक ऋण होता है ऋषि ऋण या गुरु का ऋण गुरु ऋण जी तो गुरु का ऋण उतरता तभी है जब आप आगे की पीढ़ी को तैयार करें अपनी विद्या जो आपने गुरु से सीखी वो आगे, आगे आप ट्रांसफ़र करें और मुझको इस बात की संतुष्टि है कि आज की तारीख में मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं बांसुरी और उनके भी शिष्य हैं अब तो तीसरी चौथी जनरेशन भी आ गई है जो बांसुरी में आ, आगे मेरी परंपरा को मेरे गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जी आपने देशों विदेशों में बासुरी वादन किया है अपने जापान की बात की कोरिया के बारे में, में बताया तो कुछ खास यादें कहीं से जुड़ी हों आपकी हाँ एक वास्तव में भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो कोई बहुत रिहर्स्ड प्री रिहर्सड म्यूज़िक नहीं होता है जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक में क्या होता है कि एक राइटर होता है जि, जिसकी कंपोजिशन होती है आप चाहे बाख कह लें या मोज़ार्ट कह लें उन्होंने वो कंपोजिशन लिखी फिर परफॉर्मर उसको परफॉर्म करता है और एक कंडक्टर होता है जो उस पूरे ऑर्केस्ट्रेशन को कंडक्ट करता है भारतीय शास्त्रीय संगीत में कंपोजर भी हम ही हैं परफॉर्मर भी हम ही हैं कंडक्टर भी हम ही हैं थ्री इन वन होता है और वो सारा कुछ स्टेज पर ही होता है सब कुछ वहीं क्रिएट होता है ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती अब कोरिया में गया तो वहाँ पे वर्ल्ड वुडविंड फेस्टिवल था जिसमें पूरे वर्ल्ड से लोग जो बांसुरी या इस प्रकार के वुडविंड की चीज़ें बजाते हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व तो मैं वहाँ पे कर रहा था तो बाकी कंट्रीज़ का तो क्या होता था उनका एक स्टेज रिहर्सल उन्होंने पहले कार्यक्रम से पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था तो उसमें साउंड चेक भी हो रहा था लाइट्स भी हो रही थी और सारा उनका तो वो अपनी पूरी पूरी कंपोजिशन बजा रहे थे हर कंट्री को 20 20 मिनट का समय दिया था हम लोग गए वहाँ किसी कारण से कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था या कुछ भी था तो हमारे पास पाँच मिनट ही थे और मैं मैं था और मेरे मित्र पंडित विश्वजीत पाल जी तबले पर थे और हम लोग वहाँ मंच पे गए और जैसा हम लोग भारत में करते हैं कि थोड़ा बांसुरी का साउंड चेक किया थोड़ा तबले का साउंड चेक किया और उसके बाद दोनों ने एक साथ बजा करके देख लिया दो मिनट का एक थोड़ा सा और उसके बाद हम लोगों को सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ साउंड ठीक है हम लोग उतर गए वहाँ से मंच से वो बड़े घबरा रहे थे कोरियंस कि ये क्या है ऐसा कैसे हो गया खैर जब मंच पे वाक जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो लगभग उस 20 मिनट के कार्यक्रम में 20 से ज़्यादा बार तालियां दर्शकों ने बजाई उनको अच्छा लगा बाद में स्टैंडिंग ओवेशन दिया उन लोगों ने तो जब हम मंच से उतरे तो मज़ेदार बात यह हुई कि जो उस कार्यक्रम की इवेंट मैनेजर थी वो उस उसकी आँख में आंसू थे मैंने कहा ये क्या है तो उसने कहा कि आप ऐसा बजाते हैं हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था तो हुआ ये था कि वो हमारे साउंड चेक को हमारा प्रोग्राम समझ रहे थे okay. कि ये ऐसा ही बजाएंगे जी. तो वो बड़े घबरा रहे थे कि ऐसा बजाएंगे तो ये तो बड़ा मतलब निष्प्रभावी होगा जी, जी. तो उनको ऐसा लग रहा था लेकिन जब उन्होंने भारतीय संगीत को अपने पूरे आयाम में सुना तो उनको समझ में आया कि ऐसा होता है भारतीय संगीत तो आपने अभी कहा कि स्क्रिप्ट बेस्ड ऑर्केस्ट्रा वर्सेस जहाँ पे देर इज अ नेचुरल फील फॉर दी वुड विंड इंस्ट्रूमेंट हमारे जो दर्शक हैं uh, वो कैसे अपना सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को uh, आपके छात्र भी हैं बट वट इज द इज ऑफ पिकिंग अप दिस विंड इंस्ट्रूमेंट देखिए द द इजिएस्ट पार्ट ऑफ फ्लूट इज टू पिक इट इससे ज़्यादा कम वजन का कोई कोई वाद्य शायद ही कोई हो और दूसरी बात यह है कि हाँ ये बात सही है कि बांसुरी भारत का सबसे प्रसिद्ध वाद्य है जहाँ जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ वहाँ बांसुरी है जी। लेकिन इसके साथ ही एक पहलू और भी है कि बांसुरी के गुरु बहुत कम हैं बांसुरी बनाने वाले बहुत कम हैं ये समस्या बहुत हद तक अब इसका समाधान निकल रहा है बांसुरी बनाने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और गुरुओं की संख्या में भी निरंतर प्रगति हो रही है ऑनलाइन टीचिंग के कारण पूरे विश्व में भारतीय बांसुरी का प्रचार प्रसार अब होने लगा है आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बांसुरी इस समय भारत का सबसे अधिक ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं तो uh, मेरा तो यही कहना है कि अगर एक वाक्य में कहें तो स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर के तैरना नहीं सीखा जा सकता बिल्कुल तो बांसुरी अगर सीखना है तो सीखना शुरू करिए जी उसके बाद की देखी जाएगी बिल्कुल। द फर्स्ट स्टेप इज टू पिक स्टार्ट लर्निंग अपने आप ही सीख लेंगे That's right, and we like to thank uh, Chetan Joshi ji for being with us on the morning show and explaining to us uh, this beautiful musical instrument and explaining in very clear and simple terms how it's played, how it can be adopted, and how important it is to our history and culture. Thank you so much, Joshi ji. Thank you.